समय का विचार वह वस्तु है जिसके चारों ओर हमारा जीवन लिपटा हुआ है। हम समय को ध्यान में रखकर, समय का पालन करके और समय को बता बता कर जीते हैं। समय का विचार जीवन के हर पहलू को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। इस सब को हम वर्तमान और भूतकाल दोनों काल के संबंध में समझते हैं। भौतिकी में गति और बलों को मापने में समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समय अस्तित्व और घटनाओं का निरंतर कर्म है। पूरे इतिहास में समय धर्म, दर्शन और विज्ञान में अध्ययन का एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। प्रत्येक दिन और मानव जीवन काल में सीमित समय के बारे में जागरूकता के कारण समय का महत्वपूर्ण सामाजिक महत्व भी है। इसका आर्थिक मूल्य और साथ ही व्यक्तिगत मूल्य भी है। हमारे चारों ओर समय के अलावा और इस बात का आधार है कि हम पृथ्वी पर जीवन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। सभ्यताएं जन्म लेती है, आगे बढ़ती है और ख़त्म हो जाती है। सितारे पैदा होते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, और उन क्षणों का वर्तमान से क्या संबंध है, इस पर नज़र रखने की हमारी पद्धति अपरिवर्तित रहती है। लेकिन समय न तो उतना स्थिर है और न ही इतना सरल जितना लगता है। समय बहुत ही जटिल विषय है। हमारे समय परिवेश में बिना रुके निरंतर परिवर्तन का एक माप है। समय घटित होने वाली घटनाओं का निरंतर कर्म है। भूत, वर्तमान और भविष्य समय की मूल इकाई सेकंड है। इसमें मिनट, घंटे, दिन, सप्ताह, महीने और वर्ष भी होते हैं। हम घड़ियों का उपयोग करके समय का माप कर सकते हैं। समय को उस आयाम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके आधार पर किसी भी सिस्टम का विकास होता है। इसे सेकंड, मिनट, घंटे, दिन, सप्ताह, महीने और वर्षों के रूप में मापा जा सकता है। यह मापने योग्य अवधि है जिसके दौरान कोई भी क्रिया, प्रक्रिया या स्थिति मौजूद होती है या जारी रहती है। आइंस्टीन के अनुसार आपको न केवल त्रिआयामी अंतरिक्ष, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में बल्कि समय में भी यह वर्णन करने की आवश्यकता है कि आप कहाँ हैं। इसलिए समय को वास्तविकता का चौथा आयाम भी कहा जाता है, जिसका उपयोग त्रिआयामी अंतरिक्ष में घटनाओं का वर्णन करने के लिए किया जाता है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अंतरिक्ष के तीन प्रारंभिक आयाम हैं। गति समय को प्रभावित करती है। गति प्रकाश की गति के करीब होती है। समय मापने के लिए अनेक प्रकार के उपकरणों का आविष्कार किया गया है। इन उपकरणों के अध्ययन को होरोलॉजी कहा जाता है। सभी घड़ियां समय मापती है, चाहे वे पेंडुलम हो या हाथ की घड़ी। यह समय गति का परिवर्तन सूर्यास्त, सूर्योदय, सर्दी, गर्मी आदि से स्पष्ट होता है। समय निरंतर गतिमान संसार का वर्णन करना आसान बना देता है। समय सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं। आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत कहता है कि पर्यवेक्षक के अनुसार समय धीमा और तेज हो जाता है। अलग अलग पर्यवेक्षकों के लिए समय अलग अलग होता है, यानी हर कोई अपनी गति के आधार पर समय को अपने अनुसार मापता है। समय के प्रवाह की दर इस बात पर निर्भर करती है कि आप कहाँ हैं और आप कितनी तेजी से यात्रा कर रहे हैं। आप प्रकाश की गति के जितना करीब पहुंचोगे, आपको समय और दूरी का उतना ही कम अनुभव होगा। वर्ष 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने दावा किया कि प्रकाश की गति बदलती नहीं है बल्कि स्थिर है। प्रकाश निर्वात में 186,000 मील प्रति सेकेंड की गति से यात्रा करता है। आइंस्टीन के अनुसार समय और स्थान जुड़े हुए हैं। आप अंतरिक्ष में जितनी तेजी से चलते हैं, समय में उतनी ही धीमी गति से चलते हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण होने वाली गति वास्तव में स्पेस टाइम के उतार चढ़ाव के साथ होने वाली गति है। आइंस्टीन ने माना कि समय एक नदी की तरह है जो गुरुत्वाकर्षण और स्पेस टाइम के प्रभाव के आधार पर बहती है। समय अलग अलग द्रव्यमानों और वेगों के साथ ब्रह्मांड के अलग अलग पिंडों के आसपास समय तेज और धीमा हो जाता है, और इसलिए पृथ्वी का एक सेकेंड ब्रह्मांड में हर जगह समय की समान लंबाई नहीं है। पूरे ब्रह्मांड में समय में उतार चढ़ाव होता रहता है। समय केवल आगे बढ़ता है। अब तक इस बात का कोई भौतिक प्रमाण नहीं है कि ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु समय को चकमा देकर न तो पीछे की ओर जा सकती है और न ही आगे की ओर छलांग लगा सकती है। और वैज्ञानिक पूरी तरह से निश्चित नहीं है कि समय केवल आगे ही क्यों बढ़ता है। बस अभी उनके पास अन्य कोई भी सिद्धांत नहीं है। विज्ञान का एक अन्य सिद्धांत यह बताता है कि ब्रह्मांड का विस्तार ही समय बीतने का या समय के आगे बढ़ने का कारण है। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार होता है, समय समय को अपने साथ खींचता है, क्योंकि अंतरिक्ष में और समय एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन इसका अर्थ क्या यह है कि यदि ब्रह्मांड विस्तार की सैद्धांतिक सीमा तक पहुँच जाए और फिर सिकुड़ना शुरू कर दे तो समय उलट जाएगा?
क्या समय सचमुच पीछे की ओर जा सकता है? और क्या हर चीज पीछे से युग में वापस आ जाएगी और एक बड़े संकट के साथ समाप्त होगी? समय मापने के दो प्रमुख तरीके हैं, गतिशील और परमाणु समय। समय का ध्यान रखने के लिए पृथ्वी सहित आकाशीय पिंडों की गति की सहायता ली जाती है, चाहे वह पल्सर जैसे दूर घूमने वाले तारे का घूर्णन समय हो, हमारे रात के आकाश में किसी तारे की गति हो या पृथ्वी का घूर्णन हो। हालांकि घूमते तारे के बावजूद ये तरीके हमेशा पूरी तरह से सटीक नहीं होते हैं। सेकेंड की पुरानी परिभाषा पृथ्वी के घूर्णन पर आधारित थी। चूंकि सूर्य को पूर्व में उगने, पश्चिम में अस्त होने और फिर से उगने में एक दिन का समय लगता है, इसलिए एक दिन को लगभग 24 घंटे, एक घंटे को 60 मिनट और एक मिनट को 60 सेकंड में विभाजित किया गया है। हालांकि पृथ्वी समान रूप से नहीं घूमती है। जवारीय घर्षण जैसे कारकों के कारण हर 10,000 वर्षों में पृथ्वी का घूर्णन लगभग 30 सेकंड की दर से घट जाता है। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के घूमने की बदलती गति को ध्यान में रखने के तरीके भी तैयार किए हैं, जिसमें लीप सेकंड की शुरुआत की गई है। लेकिन सबसे सटीक समय के लिए आपको इससे भी कम समय लेना होगा। परमाणु समय एक निश्चित तत्व आमतौर पर सीजियम के परमाणु के भीतर ऊर्जा ट्रांजिशन पर निर्भर करता है। इन ट्रांजिशन को संख्या का इस्तेमाल करके एक सेकंड को परिभाषित करके समय को 10 लाख वर्षों में एक सेकंड के एक छोटे से हिस्से को खोने की सटीकता से मापा जा सकता है। साइंटिफिक अमेरिकन की रिपोर्ट के अनुसार अब एक सेकेंड की परिभाषा को सीजियम परमाणु के भीतर 9.19 ट्रांजिशन के रूप में परिभाषित किया गया है।